नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने YouTube चैनल टॉप एजुकेशन में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जो भी विद्यार्थी भारतीय सेना में जाना चाहते हैं तो उनके लिए जानना जरूरी है कि इसमें सिलेबस किस तरीके का होता है, क्योंकि आपका फिजिकल और मेडिकल के बाद जैसे आपका लास्ट पड़ाव होता है वो एग्ज़ाम का होता है, और एग्ज़ाम में कहीं पूरी जानकारी ना होने के कारण सिलेबस की अच्छी तरह से आप जानकारी नहीं लेते हैं, इसके कारण काफ़ी सारे विद्यार्थी असफल हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज के स्टूडियो में आपको इंडियन आर्मी में अगर आप जाना चाहते हैं सोल्जर नर्सिंग ट्रेड से, नर्सिंग असिस्टेंट के ट्रेड से, तो नर्सिंग के सिलेबस के बारे में स्टूडियो में पूरा डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा अगर चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए। और आप भारत के किसी भी राज्य या डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, बात कर लेते हैं सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट में आपका क्या क्या सिलेबस पूछा जाता है, आप कितने नंबर्स का आपका पासिंग मार्क्स होता है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यही सब बातें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, ये इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर से डाउनलोड किया हुआ आपका सिलेबस पैटर्न है, जिसमें आपको बता दें कि अगर आप सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट एनए में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो आपके जनरल नॉलेज से आते हैं 10 क्वेश्चन। सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट में अगर आप आवेदन करते हैं तो 10 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज से आते हैं, मैथ्स से आपके 5 क्वेश्चन, फिजिक्स से भी आपके 5 क्वेश्चन, और बायोलॉजी से आपके 15 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे करके आपसे पूरे 50 नंबर का इसमें पेपर रहता है, जिसमें एक क्वेश्चन के आपके पूरे 4 नंबर दिए जाते हैं। यानी कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत है तो उसमें आपको, अगर एक क्वेश्चन आप नहीं भी करते हैं या किसी कारणवश गलत हो गया तो आपके 4 मार्क्स इसमें नहीं मिलते आपको। अब दोस्तों, टोटल मार्क्स की, पासिंग मार्क्स की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों, पासिंग मार्क्स इसमें 80 रखा जाता है, पर ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि 80 नंबर तो ओनली आप पास कर सकते हैं अगर आपको मेरिट लिस्ट में आपका नाम लाना है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि नॉलेज के हिसाब से अगर हम बताएं आपको तो 160-170 पर आपकी नॉर्मलाइजेशन लिस्ट गिरती है इंडियन आर्मी की नर्सिंग असिस्टेंट रेट की, जिसमें आप अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको भी जानकारी होगी। अब दोस्तों, मार्क्स की बात करें तो आपको जनरल नॉलेज में 40 मार्क्स मिलते हैं, मैथ्स में आपको 20, फिजिक्स में आपको 20, और बायोलॉजी में आपको 60, केमिस्ट्री में आपको 60 मार्क्स मिलते हैं। तो दोस्तों, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अगर आप इंडियन आर्मी में नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट से आवेदन करना चाहते हैं तो आपको कम से कम आपका नेगेटिव मार्किंग होती है, इसके बाद भी आपको 160 या 170 स्कोरिंग अगर आप करते हैं तो ही आप उम्मीद कर सकते हैं इंडियन आर्मी में पास होने की। अब दोस्तों, पूरे डिटेल्स में बात कर लेते हैं आपके सिलेबस के बारे में, कौन कौन से टॉपिक्स इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, अगर आप जनरल नॉलेज की बात करें सिलेबस में, तो आपको जो हमारी कंट्री इंडिया के आसपास की जो भी नियर बाई कंट्री है उसके बारे में आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ में हमारी हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इंडियन आर्मी फोर्सेस के बारे में, उसके बाद हमारे भारत के संविधान के बारे में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमारा WHO हो गया, और बुक्स ऑथर जैसे हमारी कोई सी बुक आपने देखी होगी कि इसके लेखक कौन है, ऐसे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही आपको करेंट इंपॉर्टेंट का भी नॉलेज होना अनिवार्य, करेंट नॉलेज में से भी आपसे इसमें जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बनाकर पूछ लिया जाता है, और कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं उनके बारे में, और कुछ पिछले साल की घटना के बारे में अभी आपको जानकारी होना अनिवार्य है। तो दोस्तों, जनरल नॉलेज में आपको, आप समझ गए होंगे कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट जो आपका फिजिक्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोस्तों अगर आप फिजिक्स के क्वेश्चन की बात करें तो इसमें फिजिक्स स्टेट ऑफ मैटर, मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पेक्सन, ग्रेविटी और प्रिंसिपल, जो भी आपके अलग अलग नेम होते हैं, जैसे लो का नेम होगा, मोशन, न्यूटन, अलग अलग प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद एलिमेंट्री आइडिया, वर्क, पावर, एनर्जी, हीट के बारे में, इफेक्ट के बारे में, साबुन, यानी कि लगभग आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए गए हैं, वैसे आपको पूरी ही तैयारी में करना होता है। साथ में आपसे फिजिक्स के अंतर्गत ओम का लॉ हो गया, सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, हीटिंग हो गया, नॉन कंडक्टर्स हो गए, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, फिजिक्स के अंदर भी हम आपको सारे टॉपिक बता चुके हैं।
लगभग आप इसको देख कर नोट कर लीजिएगा अपनी बुक में। अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स में एलजेब्रा होगा, डिटरमिनेशन हो गया, जियोग्राफी, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलेशन, प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स, नंबर सिस्टम हो गया, फंडामेंटल अरिथमेटिक हो गया, उसके बाद मेंसुरेशन हो गया, एरिया, वॉल्यूम और सरफेस एरिया के बारे में आपसे मैथ्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं केमिस्ट्री में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों केमिस्ट्री की अगर बात करें हम तो इसमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में, एलिमेंट्स, मिक्सर्स, कंपाउंड्स, सैम्पल्स, फॉर्मूला एंड सैम्पल, केमिकल इक्विपमेंट, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में पूछा जाता है आपसे। साथ में आपसे एयर, वाटर प्रिपरेशन, आपसे हाइड्रो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन रिएक्शन के बारे में आपसे पूछा जाता है, जो भी अभिक्रियाएँ होती हैं उनके बारे में, एसिड के बारे में, एसिड बेस सॉल्ट होता है इसके बारे में, कार्बन इन फॉर्मूला के बारे में आपसे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेचुरल्स फर्टिलाइजर्स के बारे में, एलिमेंट्री आइडियल्स के बारे में, साथ में एटम, एटॉमिक, इक्विपमेंट और मॉलिक्यूलर वेट वैलेंसी के बारे में आपसे केमिस्ट्री से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे टॉपिक आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करें तो आपका बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन बायोलॉजी से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों इम्पोर्टेंट टॉपिक तो आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री है नहीं बल्कि सारे इसमें सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आप स्कोरिंग आप मेरिट लिस्ट में नाम लाना चाहते हैं तो सभी आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन खासकर आपको बता दें कि केमिस्ट्री में आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 बायोलॉजी से पूछे जाते हैं, तो इन पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। दोस्तों बात कर लेते हैं आपके बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों टॉपिक की बात करें तो इसमें बेसिक बायोलॉजी, लाइफ प्रोसेस, स्टडी ऑफ बर्ड, ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बॉडी के बारे में, फूड हेल्थ और अलग अलग प्रकार से जैसे वेस्ट फूड प्रैक्टिस, फूड हेल्थ हो गया, इसके बाद गुड हेल्थ के बारे में, साइकिलिंग साइकिल्स ऑफ मटेरियल्स के बारे में, लिविंग्स रिसोर्स के बारे में, एडेप्टेशन, आप पूरा इसमें नोट कर लीजिएगा दोस्तों क्योंकि पूरा बताएंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इस कारण से सारी जानकारी आप टॉपिक देख सकते हैं, आप इस नोटिफिकेशन के स्क्रीनशॉट लेकर भी पूरी तैयारी कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके अलावा भी बताते हैं, हमने जो भी टॉपिक बताए इसमें से आप ज़रूरी नहीं कि आप इसको ही फॉलो करें। इसमें इंट्रक्शन बताया गया है कि अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आपका नॉलेज किसी भी तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि उनको एक एजुकेटर की ज़रूरत होती है। एक एजुकेटर तौर पे आपको सारे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में अगर आपसे जनरल नॉलेज के बारे में, जनरल जो आपके 6 मंथ में लास्ट जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहते हैं उनसे उठाकर कोई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपकी सोसाइटी से, आपके बिहेव के बारे में, अलग अलग किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों इसमें करेंट के विशेष ध्यान रखना, आप करेंट अफेयर्स, करेंट नॉलेज के बारे में आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अगर आपने सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक को आपको पढ़ाई करना होता है अगर आप एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं इंडियन आर्मी में नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट पर, तो आप विशेष रूप से इस वीडियो को पूरा देखिए। अपने दोस्तों के साथ भी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जाते जाते अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।